चेरी किंग को सबर अता फरमा, आमीन। क्या क्या तरीके होते हैं गाड़ी लो करने के? कैम्बर किट फॉर यू, फुल टैट फिटमेंट फॉर यू, बिग लॉस यहाँ पे हो चुका है, याद चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम 40 की तरफ से आप लोग फिल्म में हाजिर हैं। और अभी मौजूद है जी अपने ताजमहल के अंदर, ताजमहल बोलते अपने कमरे के अंदर मौजूद है जी, जहाँ पे हम फुल टाइम लंबा पैक चील करते हैं। और जी सबसे पहले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से भाई साहब रमज़ान मुबारक। और जी आपको मैं पहले बता दूँ कि आज है जी भाई साहब 3 अप्रैल, और जी आज रमज़ान का पहला रोज़ है। और जी वीडियो कब जाके अपलोड होगी मुझे खुद नहीं पता होता, ये भाई साहब एडवांस व्लॉगिंग करता है आपका भाई, आपका भाई डेली व्लॉगिंग नहीं करता, आपका भाई एडवांस व्लॉगिंग करता है, मुझे खुद नहीं पता होता भाई साहब वीडियो कब जाके अपलोड होनी है। और जी जिन जिन लोगों के भाई साहब लैपटॉप मोबाइल के अंदर अभी तक VPN है ना, उस्ताद जी VPN उड़ा दो। उसके अलावा जी आप सब लोगों ने रमज़ान के अंदर जी बुराइयों के ऊपर हाथ होल रखना है, क्योंकि भाई साहब अल्लाह ही अल्लाह किया करो, निकी के काम तुम किया करो। और जी आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो भाई साहब आज हम जा रहे हैं जी रोमन गाड़ी का रिव्यू करने, जो कि फुल टाइम जमीन की सारी रेडियां खाएगी। अभी मैं खाएगी क्यों कहा है, क्योंकि भाई साहब अभी गाड़ी फुल टाइम खोदा बनी हुई है, और जी ऊंची हाइट पे हुई हुई है, और अभी जी फुल टाइम 4x4 लग रही है। और जी आपके भाई ने खुद उसको मना किया कि उस्ताद अभी तूने गाड़ी लो नहीं करनी, जब मैं आऊंगा तब तूने गाड़ी लो करनी है, और तूने मेरे व्यूअर्स को दिखाना है कि भाई साहब गाड़ी लो कैसे होती है। उसके अलावा जैसा कि आपको पता कि आप लोगों से वैसे मुझे बड़ा प्यार है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी फुल टाइम कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए मैं कोई ना कोई चीज़ करके जी शैम्पू करके वहाँ से लेके आऊँ। जैसे मैं चौधरी ऑटो स्टोर पर गया था, वहाँ से जी आप लोगों के लिए काफ़ी सारे गिव अवे शैम्पू करके लेके आया था। तो जी आज हम फैजी साहब की गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं, और जी आज मैं आप लोगों के लिए जी 2 गिव अवे शैम्पू करके लेके आया हूँ। अब जी पहला गिव अवे उन लोगों के लिए जो कि भाई साहब लाहौर के रहायशी हैं, उनको भाई साहब फैजी साहब देंगे जी फ्री सर्विसेज। जैसा कि आपने गाड़ी लो करवानी है, किसी एक लकी विनर को भाई साहब फैजी साहब फ्री में गाड़ी लो करके देंगे। अब जिसने गाड़ी लो नहीं करवानी, उसने कोई अपना कहते हैं ट्यूनिंग करवानी है इंजन की, तो फैजी साहब उसको ट्यूनिंग फ्री की कर देंगे, या आपका गोटा गोटा पकड़ गया तो जी आपको गोटा चेंज कर देगा। अब जी आपने खुद ख्याल रखना, ये ना हो जी आप अपना 1-5 लेके पहुंचे और जी फैजी साहब को कहेंगे भाई साहब इसमें 2 GC स्वाप कर दो, ये जी बदतमीजी हो जाएगी, और जी आपने बदतमीजी नहीं करनी। उसके अलावा दूसरा गिव अवे सारी वाम के लिए कि भाई साहब फैजी साहब एक चीजी का गिव अवे करेंगे, और जी कोई भी उसको जीत सकता है फैजी साहब विनर को जी, वो TCS करा दें। गिव अवे में एंटर होने का तरीका वेरी इजी, डिस्क्रिप्शन में जी आपको फैजी साहब के चैनल का लिंक नजर आ जाएगा, आपने जाकर उसको सब्सक्राइब ठोकना है, और जिसकी वीडियो के नीचे डन का कमेंट करना है। जी ये हम अपने पहले बछिंदर को पिक करने आ गए यहाँ से, जहाँ आप चेक कर सकते हैं बैड लक क्लब के ऑफिशियल मेंबर नबील इस्लाम फॉर यू। और जी ये चेक करें जी नीचे खूबसूरती देखें जी आप जरा, ये आपको पता क्या है, यह जी मुगन का ट्विन लूप RR का एग्जॉस्ट, और ये जी चैम्बर एग्जॉस्ट है, इसकी आवाज़ बड़ी सोनी किस्म की होती है, और जी इसकी प्राइस बड़ी सोनी किस्म की होती है। अगर हमारा नबील इस्लाम बाहर आ जाए तो उसके बाद हम सीधा ही जाके जी फैजी साहब के पास पहुँचते हैं। जी जैसा आप चेक कर सकते हैं जी हम फोर्ट के गैराज पर पहुँच चुके हैं, और जी ये चेक करें जी सिरका लाइफ स्टाइल यहाँ पे जी मियामी बीच के ऊपर आया हुआ है, ये जी कच्छा पहन के साहब जी फुल बुनियान पहन के जी यहाँ पे पानी पानी का हर जगह, ये जी अब्बा जी के अचर भी कोई पानी छुट रहा है। अच्छा जी अच्छा, उसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं किंगी है फुल टाइम जी यहाँ पे खोता बनी हुई है, पीछे भी फुल टाइम ऊंची हुई है, आगे से भी ऊंची हुई है। फैजी साहब जी अभी फिलहाल गोली करवा के गायब हुए हैं, वो अभी जितनी देर तक आ रहा है वो जब आते तो उसी गाड़ी का काम फिर शुरू करते हैं। उसके अलावा आप इधर चेक कर सकते हैं कराची किंग जी फुल टाइम यहाँ पे V2 को जी यहाँ पेंट मार रहे हैं, और इसको फुल टाइम नीला नीला कर रहे हैं। अभी जब तक फैजी नहीं आता तब तक जी हम अंदर जाके जी पुठे पखे से जी हम वहा लेंगे। पुठे पखे का क्या मतलब है जी आपको मैं चेक करवाता हूँ, पुठा पक्का क्या चीज़ होती है? तो जी ये चीज़ होता है जी पुठा पक्का, ये आप चेक करें जी, ये इस चीज़ पुठा पक्का फॉर यू, ये जी सीधा हो गया जलता है, इसको पुठा करके चलाना पड़ता है, और ये जी फिर आता है तपती तपती वहा दे रहा है। और जी जैसा आप चेक कर सकते हैं फैजी साहब जी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंट्री मार चुके हैं, और जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं जी अपनी गाड़ी के साथ। अभी जी गाड़ी की सूरत हाल आपको दिखाऊं तो ये भी गाड़ी की सूरत हाल जी माड़ी किस्म की है, या आपको जी थोड़े मैं टिट फॉर टैट दिखाऊं तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये वाला बम्पर बाहर आया हुआ है, ये वाली जो लाइट है ये जी आसमानों से बातें कर रही है। उसके अलावा ये जी एयर फ्लो के लिए ने ये वाला सनवाइजर तोड़ा हुआ है, और जी उसके अलावा आपको बाकी चीज़ें चेक करवाऊँ तो ये आप चेक कर सकते हैं जी, ये देख रहे हैं जी आप ये ये जी इशारे गया है मैं इसके साथ वाले। उसके अलावा गाड़ी के नीचे से देखें जी, गाड़ी पनाह मांगने के मेरे पता नहीं कहाँ पर जाके लगा दी, ये आप बात सुन सकते हैं, ये जी फुल टाइम यहाँ पे डुगडुगी बज रही है जी, टन 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 टन। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं अगले वाले बम्पर के भी नके नुके टूटे हुए हैं। और ये जी फैजी साहब के पास अफतारी से पहले पहले का वक्त है, इन्होंने हमें आवाज़ कराई है कि सारा कुछ अफतारी से पहले पहले सही करेंगे। ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये जी फॉग लाइट भी गैप है, इन्होंने एयर के लिए गैप की हुई है, ये भी लगी होनी चाहिए। जितनी आपको मैंने चीज़ें चेक करवाई हैं ये जी सारी की सारी ठीक होंगी अफतारी से पहले। और जी वक्त के ऊपर आ जाए तो भाई साहब 4:02 हो चुके हैं, और जी फैजी साहब ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब जी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, ये जी हसन भाट की आपके भाई ने जी फुल बड़ी लाइन बोली यहाँ पे, वक्त कम मुकाबला सख्त। और जी अब देखते हैं कि 5 बजे तक का टाइम जी फैजी साहब के साथ। अब जी मैं से कह रहा हूँ या तो एक साइड लो करके दिखा दे हमें, या फिर दोनों साइड लो करके दिखा दे, अभी देखते हैं फैजी साहब अपना जादू करके दिखाते हैं नहीं।
तो जी जितनी देर फैजी साहब गाड़ी लो कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब गाड़ी लो कैसे हो सकती है और क्या क्या तरीके होते हैं गाड़ी लो करने के। गरीब स्टाइल से हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम मीडियम स्टाइल पे आएंगे, उसके बाद फुल टाइम जी रिच स्टाइल पे चले जाएंगे रन स्टाइल के ऊपर। जी अब हम आए थे सबसे सस्ते वाले स्टाइल के ऊपर और ये है जी सीधा सीधा स्टाइल और इसको हम कहेंगे जी फैजी स्टाइल, क्योंकि इसमें क्या करते हैं आपको शौक नजर आ रहा है और बीच में स्प्रिंग भी नजर आ रहा है। इसमें हम वेरी सिंपल काम करेंगे, शॉक में से हम स्प्रिंग बाहर निकाल देंगे, गाड़ी लो हो जाएगी, वेरी इजी फॉर यू। आपने जी ये काम करना है, ये देख रहे हैं जी शॉक में से स्प्रिंग बाहर निकाला है, आगे जी पूरा शॉक इस तरह करके नीचे आ जाएगा और जी आपकी गाड़ी फुल टाइम जी जमीन के साथ रेडियां खाएगी। और जी इस तरह करने का आपको मैं नुकसान पहले ही दिखा दूं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो जी आपका शॉक लीक हो जाएगा, जो कि हुआ हुआ है। ये जी आपके सामने एक जिंदा मिसाल यहाँ पे मौजूद है जी कि अगर आप ऐसे करेंगे स्प्रिंग के बगैर अपने शॉक चलाएंगे तो आपका शॉक जी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। और जी आज अल्लाह को प्यारा होने वाली सिर्फ एक यही चीज नहीं है, एक और चीज भी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके लिए आप गेस करें जरा भाई साहब, दूसरी चीज कौन सी सेवन अप हो सकती है, सिर्फ एक चीज बंदे की ही चीजें सेवन अप होती है। जरा कमेंट के अंदर तुक्के मारे अपने मुसलमानों, तुक्के मारो। उसके बाद हम गरीब स्टाइल से थोड़ा अल्ट्रा प्रो गरीब लाइफ स्टाइल के ऊपर आए तो जी आप ये चेक सकते हैं। इसमें आपने करना होता है कि जो आपका जो सादा स्टॉक स्प्रिंग होता है उसको जी आपने वट देना आगे से। अब जी वटने की वजह से क्या होता है, जो आपका स्प्रिंग का हेड होता है जैसे ये है, ये जी आपका खराब हो जाता है और ये जो गाड़ी के अंदर जाके बैठता है तो जी आपको मोड़ काटने के बाद जी काट 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 कूड़ 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 की आवाजें आती हैं। अब जी इसे बचने का तरीका क्या, तो जी आपने पैप काटना जी ये पानी पूनी मारने वाला और जी आपने उसको अपने सादे स्प्रिंग जहाँ से आपने काटा आपने उसके ऊपर इस तरह करके लगा देना है और जब आप इस तरह लगाएंगे ये जो पाइप होगा ये जी आपके काट काट कूड़ कूड़ छूट छूट मुड़ मुड़ वाली आवाज़ों से आपको बचाएगा। वेरी इजी तरीका फॉर यू। अब जी उसके बाद हम आए थे कॉइल ओवर्स के ऊपर कि कॉइल ओवर्स का इस्तेमाल करते हुए आप गाड़ी कैसे लो करते हैं, तो जी आपके कॉइल ओवर जाके आपके स्टॉक शॉक्स को रिप्लेस कर देते हैं और जी इनको लो करने का वेरी इजी तरीका होता है। ये जी अगला कॉइल ओवर है और ये जी बैक के कॉइल ओवर्स हैं। अब जिसके अंदर आपको चूड़ियाँ नजर आ रही हैं, ये जी आपने चूड़ियाँ इस तरह करके ढीली करनी है, ये जी आपको नीचे कप नजर आ रहा है, आपने इसको ऐसे पकड़ना है और जी आपने इसको ऐसे घुमाना है। ये जी जितना बाहर निकाल लेंगे उतनी आपकी गाड़ी ऊंची हो जाएगी और जितना आप इसको ऐसे करके नीचे की साइड पे घुमाएंगे तो आपकी गाड़ी नीचे हो जाएगी। वेरी इजी फॉर यू। अब जी कॉइल ओवर के अंदर चार इकसामें आती हैं जी, वन वे कॉइल ओवर, टू वे कॉइल ओवर, थ्री वे कॉइल ओवर एंड फोर वे कॉइल ओवर। वन वे कॉइल ओवर में सिर्फ आपको एक एडजस्टमेंट की सेटिंग मिलती है, टू वे कॉइल ओवर के अंदर आपको स्प्रिंग के प्री लोड सेट करने की सेटिंग मिलती है और यहाँ से कप घुमा कर ऊपर नीचे करने की सेटिंग मिलती है। थ्री वे कॉइल ओवर के अंदर आपको जी ये पहले दो सेटिंग मिलती हैं, उसके अलावा आपको साथ में डैम्पिंग की सेटिंग भी मिलती है, आप यहाँ से अपने कॉइल ओवर की हार्ड्स ऑफ की सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और जो फोर वे कॉइल ओवर होता है उसके अंदर पहली तीनों की तीनों सेटिंग मौजूद होती है, लेकिन उसके साथ आपको जी यहाँ पे करके कैम्बर प्लेट्स मिलती हैं और उससे आप अपनी गाड़ी थोड़ी बहुत ही हल्की आंच के ऊपर कैम्बर कर सकते हैं। और जी कॉइल ओवर के बाद एक जी फुल टाइम खतरी तरीका आता है और वो होता है जी नौमी चौधरी तरीका। उसके अंदर आपने भाई साहब अपनी गाड़ी के अंदर शॉक और कॉइल ओवर दोनों निकाल देने हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, जरा वो होंडा डे से पहले वाली की वीडियो आपको दिखाता हूं। ये चेक करें जी, नो कॉइल ओवर नो नथिंग फॉर यू, या देख सकते हैं जी फुल टाइम ओपन मोरी गैंग। ए जी पिछले शॉक भी बाहर काट दिए इसने, ये चेक करें जी पीछे पे कोई शॉक नहीं है, डायरेक्ट मोरी फॉर यू। इस नौमी चौधरी ने गाड़ी के अंदर ना शॉक लगाया ना स्प्रिंग लगाया, बिल्कुल ही भाई साहब फुल टाइम जी बिग मोरी गैंग इन्होंने काम किया हुआ था। ये आप चेक करें जी मोरी गैंग फॉर यू ये। और जी ये सबसे खतरनाक तरीका होता है, आप भी कहीं भी जाके बाजी बोल सकते हैं, जैसा कि आपको पता है नौमी चौधरी भी फुल टाइम ऑफिशियल मेंबर है जी बैडला क्लब के, तो जी आपने वो वाला तरीका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अब जी उसके बाद हम आए थे जी फुसफुस सस्पेंशन के ऊपर, फुसफुस सस्पेंशन बोलते भाई साहब एयर सस्पेंशन के ऊपर। अब जी एयर सस्पेंशन में क्या होता है कि आप ये बूट को भी समझ लें जी एक किस्म का एयर वाला बैग है, ये जी आपके समझ लें जी शॉक के ऊपर या कॉइल ओवर के ऊपर जाके जी एक किस्म का लग जाता है। अब जी एयर सस्पेंशन में काफ़ी सारी एग्जाम होती है, एक अंदर सिर्फ एयर बैग होता है, एक अंदर एयर बैग के बीच के अंदर भी एक भाई साहब एक स्प्रिंग होता है। और जी एयर सस्पेंशन काम कैसे करती है, तो भाई साहब ये समझ लें जी एयर बैग है, इसके अंदर भाई साहब हवा भरी होती है फुटा घुमारे कितना करके आपके सामने पैसा स्पीड ब्रेक कराया, आपने बटन दबाया जी आपका ये जी एयरबैग ऐसे करके खुल गया, आपकी गाड़ी जी फुल टाइम खोता बन गई, 4x4 बन गई। आपने जी पैसा अपने मजे मुझे पूरे कर लिए, आपने स्पीड ब्रेक के ऊपर से ऐसे गुजारी गाड़ी गुजारी जैसे स्वाब का काम, ना आपका फ्रेम नीचे रगड़ा ना कुछ और रगड़ा, आप फ्रेम स्पीड ब्रेक से आगे गए, आप जी एक बार फिर से बटन दबाया जी और आपका एयरबैग फिर से इस तरह करके जी कंप्रेस हो जाएगा और जी आपकी गाड़ी फुल टाइम जमीन के साथ रेडियां खाएगी। अब जी एयर सस्पेंशन का वो हिसाब है कि भाई साहब ऊपर भी मजा है और नीचे भी मजा है, आप जाइए अपनी गाड़ी की फुल टाइम जमीन के साथ रेडियां लगवा ले, आके सामने कुछ स्पीड ब्रेकर आ जाए आप उसके ऊपर से चढ़ा के जी गाड़ी ऊंची करके लेके जा सकते हैं और जी आप फुल टाइम स्कूल लाइफ स्टाइल में होते हैं जी एयर सस्पेंशन के साथ। और ये जी मैंने आपको आज गाड़ी लो करने के सारे तरीके बता दिए हैं, तो जी जरा फैजी साहब गाड़ी लो कर लें फिर मैं आपको फर्क दिखाता हूँ कि एक स्टॉक सस्पेंशन वाली गाड़ी और एक लो की भी गाड़ी की ये दोनों की लुक कितना चेंज होती है और ये दोनों लुक्स आपको सिर्फ एक गाड़ी के अंदर ही नजर आएंगे। अब जी इस चीज के ऊपर आए ये आप देख रहे होंगे भाई साहब आपको जी बड़ा कोई चार मुंह वाला एनाकोंडा नजर आ रहा होगा,
और इसके ऊपर ये है जी कुंडे भी निकले हुए हैं। ये क्या चीज है? तो भाई साहब इनको हम कहते हैं जी व्हील अडॉप्टर्स, और जी आप इनको शादी जमान में स्पेशल भी कह सकते हैं। अब जी ये काम कैसे करते हैं? तो ये जी आपकी जेवरन हब के ऊपर जाकर ये वाले जो स्टार्ट होते हैं ये जाकर कसे जाते हैं, उसके बाद जो आपके अडॉप्टर वाले स्टार्ट होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं, और इनके ऊपर आपका जी आके जी रिम लगता है, और ये जी आपके टायर को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा इनका एक और इस्तेमाल भी होता है कि इसके अंदर जी पीसीडी चेंजर अडॉप्टर्स भी आते हैं, और वो जी कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होते हैं। 4 नट to 5 नट कन्वर्जन होगी, या फिर आप अपनी पीसीडी भी चेंज कर सकते हैं। आप 4 पीसीडी से अपनी गाड़ी को 114 पीसीडी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और पीसीडी के ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेश अडॉप्टर फॉर यू। ये चेक करें जी, फुल टैट फिटमेंट फॉर यू। ये जी पूरा का पूरा रिमी अंदर घुसेड़ कर आती है, फुल टाइम जी हैवी टक फिटमेंट यहाँ पे की है जी फैजी साहब ने एक साइड से। अब जी आगे वाला हमारा जो टायर था वो कैम्बर शैम्बर हो गए जी, फुल टाइम जमीन सर रेडियां खा रहा है। अब जी नोमी साहब जरा पीछे से पाना घुमा रहे हैं, ये देखें जी ये रोजा रख के भाई साहब इसमें कमजोरी हो गई है। अजी ये वाली साइड भी लो करते हैं, फिर जी आपको जरा इस साइड का गेड़ा करवाते हैं ये ये। उसके अलावा जी आपको जरा बैक वाले शॉक्स की हालत दिखाऊं, तो बैक की शॉक्स की हालत ये है, बीम स्प्रिंग ऐप है, और जी ये क्या चीज़ है? तो इसको हम कहते हैं जी फ्रेश कैम्बर किट फॉर यू। अब जी इसके ऊपर कैम्बर करना वेरी इजी, आप जी इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे ये चीज़ जितनी बाहर की तरफ आएगी उतना आपका होगा पॉजिटिव कैम्बर। पॉजिटिव कैम्बर मतलब कि आपकी ये जो चीज़ होगी ये जी इस तरह करके बाहर आएगी, इस तरह नहीं मैं समझाता हूँ। ये जी जीरो कैम्बर पॉजिटिव कैम्बर, आपका टायर ऊपर वाली साइड से इधर बाहर आएगा, और जी आप इसको जब ऐसे करके घुमाएंगे दूसरी साइड पर और ये चीज़ जब अंदर की तरफ जाएगी तो जी आपका नेगेटिव कैम्बर होगा, इस तरह करके होगा आपका रिम जो होगा वो जी नीचे से बाहर आएगा और ऊपर से अंदर की तरफ बढ़ जाएगा। और जी शैली साहब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और जी आपको पता चल गया चल जाएगा कि भाई साहब वो किसी चीज को जुड़ी है। आइए सबसे पहले दुआ करते हैं, ए अल्लाह शैली किंग दी सोना को जन्नत अता फरमा, आमीन। शैली किंग को सब्र अता फरमा, आमीन। शैली किंग के टू जी के साथ डी 17 को भी डी 16 को भी चिल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और जिसको बैटला क्लब से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये जी शैली किंग का डी 16 भी वहाँ पहुंच गया, जहाँ पे इनका टू जी था वहाँ पे गाड़ी। और ये इंजन जी अल्लाह का प्यारा हो चुका है। और ये कांड कैसे हुआ ये हम कहानी सुनेंगे शहरी किंग की अपनी जबानी। तो कुछ भी नहीं, वो तो आवाज़ तो यूसीपी के पुल पे चढ़ते हुए आ गई थी, वहाँ से जब ये हीट हुई एकदम से सुई ऊपर गई है, और उसके बाद बस इसमें से प्रेशर की वजह मैं तो गाड़ी साइड पे रोक के फोन किया, अरे भाई फटने आ ली है। बस उधर फिर इसके धुएं निकले और बस उसके बाद बंद हो गई। आज ये पता नहीं स्टार्ट कैसे होगी, रात को तो धक्के पे आएगी। ये जी सारी हीट यूसीपी की तरफ से आई थी, बिग हीट फॉर यू। जैक पास गया। ये जी श्रीका लाइफ स्टाइल कमों में, फिर श्रीका तो आपके साथ होता ही है। ये जी पीछे इट लगाना भूल गए सी, और जी ये बिग लॉस यहाँ पे हो चुका है, यहाँ चेक करते हैं फुल मोरी गैंग फॉर यू हो गया यहाँ पे भी। नोमी चौधरी स्टाइल मोरी गैंग या जी, अब अपनी गलती का सुधार करेंगे, पीछे इट लगाएंगे और फिर हम गाड़ी नीचे करेंगे। टैट फिटमेंट फॉर यू। ए जी फ्रेश कनारी फिटमेंट फॉर यू बनने वाली है। टायर फंसने से टायर बांधने की कोशिश कर रहा है, यू कैन डू इट, यस। ये जी किनारी फिटमेंट फॉर यू हो गई है, और जी फ्रेश टकिन फिटमेंट फॉर यू होगी। ये चेक करें जी फुल टाइम लोहे के साथ रेडियां खाते हुए फुल टैट फिटमेंट फॉर यू। और जी ये आप चेक कर सकते हैं, एक साइड को हमने डब से धोया है और दूसरी साइड को हमने लाडो साबुन से धोया है। उसके अलावा ये साइड वाली है जी मेंटोस जिंदगी, और ये है जी आम जिंदगी। अब जी मैं आपको दोनों साइड में गेड़ा करूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं, इस साइड पे है जी स्टॉक लाइफ गाड़ी आपकी जी फुल टाइम खोता बनी हुई है, और जी साइड से मज़ेदार काम नहीं है। इस साइड पे तो ये जी हो जाता है फुल टाइम यहाँ पे जी गोरा स्टाइल, ये आप चेक कर सकते हैं गाड़ी फुल टाइम जमीन के साथ रेडियां खाते हुए। और ये फिटमेंट चेक कर सकते हैं फुल टाइम जी आगे से टक इन फिटमेंट, रिम जी आपका पूरा फेंडर के अंदर कुछ सूस के बह गया जी। बैक की आपको फिटमेंट चेक करवाऊँ तो बैक की भी टक इन फिटमेंट है, ये आप चेक कर सकते हैं।
और ये चीज दिखाने का मकसद क्या था आप लोगों को, आधी आधी करके दिखाने का कि भाई साहब कैसे आप अपनी गाड़ी को सिर्फ एक लो और अच्छी रिम लगा के आप उसको नीचे करते हैं तो गाड़ी की पूरी लुक ही चेंज हो जाती है किस्म की। अगर आप अपनी गाड़ी की थोड़ी बहुत लुक निकालना चाहते हैं तो आप सादी सीधे ये दो काम कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को अच्छे से कोई सोने से रिम लगाएं उसके बाद उसको नीचे कर लें। लेकिन हर चीज का अपना नुकसान भी होता है, अगर आप इतना फुल नीचे करके जमीन के सारे अड़ियां लगवाएंगे तो जी हर स्पीड ब्रेकर के ऊपर आप जी अड़े होंगे और जी आपको 10 बंदे साफ उठाने पड़ेंगे धक्के तुक्के लगाने के लिए। और इसके अलावा इस तरह बहुत ज्यादा नीचे करने से आपकी गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी होती है वो जी काफी ज्यादा स्टिफ हो जाती है, आपको जी फुल टाइम बीच में चंपे छंपे लगती है, आप जी उड़ जाके छत में बचते हैं। और जी अब आप पूछेंगे भाई साहब ऐसे गाड़ी करने का क्या फायदा, भाई साहब गाड़ी नहीं चलती ये होता वो होता है, तो जी आपको बताऊं फैजी ने गाड़ी रखी हुई है एज ए शो कार, जब उसने शोज वगैरह के ऊपर जाना था तब ये इसको रिमटा ये वाले लगाता है, उसके बाद जी फुल टाइम जमीन के सारे डियां लगवाया था गाड़ी के, क्योंकि शो कार के ऊपर आपकी सिर्फ गाड़ी की बाहर से लुक देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि भाई साहब आपकी गाड़ी के अंदर कुछ चलते में मजा आ रहा है कि नहीं, आपकी गाड़ी के अंदर ऐसी है कि नहीं, शो कार के ऊपर आपकी सिर्फ गाड़ी की खूबसूरती देखी जाती है। और जी खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं, फरीद साहब ने वाह यहाँ पे जी कम टाइट कर दिया है, जो खूबसूरती साइड की आ रही है वो आप चेक कर सकते हैं, किस साइड पे वो खूबसूरती नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ से गाड़ी फुल टाइम जी खोता बनी हुई है, ना कोई फिटमेंट है ना कुछ और, तो जी शो कार के ऊपर सिर्फ लुक मैटर करती है, ये आपने बात में डाल लेनी है। और जी ये आज मैंने आपको जी गाड़ी लो करने के तरीके दिखा दिए हैं, और जी फैजी साहब की हमने गाड़ी यहाँ फुल टाइम जी जमीन के सारे डिंग लगवा ली है, अब जी फैजी साहब के पास हम अगली बार जब आएंगे तब ये गाड़ी फुल टाइम दूसरी साइड से भी ऐसी होगी और तब हम इस गाड़ी का जी फुल टाइम व्यू मैन रिव्यू करेंगे। उसके अलावा गिव अवे का मैंने आपको बता दिया है, फैजी साहब आप मैसेज किसी एक लकी विनर को देंगे फ्री सर्विसेज, उसमें आप गाड़ी लो करवा लें या आप ट्यूनिंग करवा लें कोई एक चीज मिलेगी। एक चीज मैं पहले बता दिया, ये नहीं करना कि 1-5 ला के फैजी को कहो कि इसके अंदर 2 JZ स्वाप कर दो, नहीं तो फैजी साहब ने आपके साथ ही फुल टाइम चंडो चंडी हो जाना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, एक कंधों में वजीज आ रहा है सोन के गिव अवे का, अल्लाह हाफिज़।